आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड चॉप। ब्रेड चॉप बनाने के लिए हमें चाहिए लहसुन की कुछ कलियां, अदरक, मिर्च, प्याज, पंचफोरन और बादाम और आलू। सबसे पहले हम आलू को बॉईल कर लेंगे। जब आलू बॉईल हो जाए तो उसे अच्छे से छील लेंगे। आलू थोड़ा गर्म है, मुझे छीलने में टाइम लग रहा है। देखिए हमने सारे आलू को छील लिया है। अब उसे हम मैशर से मैश कर लेंगे और हम ब्रेड चॉप बनाने के लिए उसका फीलिंग्स तैयार करेंगे। जो आसान भाषा में कहा जाए तो भरता बनाएंगे। अभी भी आलू थोड़ा गर्म है, मैं अच्छे से इसे मैश कर रही हूँ। देखिए मेरा आलू पूरा मैश हो गया है अच्छे से। अब जो हमने लहसुन अदरक लिया था उसे हम बारीक काट लेंगे और पैन में तेल गरम करेंगे। जब तेल थोड़ा गरम हो जाए तो हम उसमें पंचफोरन डालेंगे। देखिए तेल पूरा गर्म है, पंचफोरन डाल देते हैं। और जब पंचफोरन थोड़ा तड़क जाए तो उसमें लाल मिर्च जो हमने लिया था उसे तोड़कर डाल देंगे। और फिर सारे जितने भी हमने प्याज, अदरक और लहसुन जो मैंने लिया था उसे डालकर थोड़ा भून लेंगे। ज़रा सा हल्दी डाल देंगे ताकि अच्छा कलर आए इसमें। और इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, हल्का पकाना है ताकि ये ट्रांसलूसेंट हो जाए प्याज। ज़्यादा प्याज ज़्यादा पक जाएगा तो थोड़ा सा मीठा टेस्ट आ जाएगा। इसे फिर बादाम डाल देना है। बादाम मेरा कच्चा था इसलिए बादाम को भी मैं थोड़ा सा भून लूँगी, ज़्यादा नहीं हल्का, ताकि बादाम का कच्चापन चला जाए। जब भुना जाए तब हम इसमें आलू डाल देंगे जो हमने पहले से मैश करके रखा था। आलू डालकर भी हम इसे अच्छे से भून लेंगे ताकि आलू का कच्चापन चला जाए। और भूनने के बाद आलू का सोंधा टेस्ट आता है तो टेस्ट ज़्यादा बढ़ जाता है। आलू को अच्छे से हम पका लेंगे, भून लेंगे चारों तरफ से। और अपने स्वाद के हिसाब से आपको जितना कम या ज़्यादा नमक चाहिए अपने स्वाद के हिसाब से इसमें हम नमक भी डाल लेंगे और बढ़िया से इसे फ्राई कर लेंगे। नमक भी मैंने डाल दिया है। अब इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे, अच्छे से मिला लेंगे ताकि नमक बढ़िया से चारों तरफ अच्छे से मिल जाए। देखिए ये हमारा ब्रेड चॉप का फीलिंग्स आलू वाला तैयार है। इसके बाद हम ब्रेड चॉप का घोल बनाने के लिए, बेसन का घोल बनाने के लिए थोड़ा सा बेसन भी लेंगे। बेसन में फिर हम नमक डालेंगे और उसमें मैंने मसाला डाला है जो मैं पहले से तैयार करके रखी थी। अदरक, लहसुन, जीरा, गोलकी के मसालों को मैं पहले से भून कर रखती हूँ। उसमें से एक चम्मच वो मसाला भी मैं ले लूँगी और इसे अच्छे से हम घोल लेंगे। हल्का हल्का पानी डालकर घोलें ताकि इसमें लम्स ना पड़े, घोल अच्छे से तैयार हो जाए। इसमें लम्स ना पड़ने दीजिए, अच्छे से घोल लीजिए। देखिए हमारा घोल भी तैयार हो गया। घोल ज़्यादा ना गाढ़ा होगा ना पतला होगा। देख लीजिए घोल की कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए, ऐसा ही रखिएगा। हमारा घोल तैयार है। घोल और फीलिंग्स दोनों ही तैयार हैं। अब हम लेंगे ब्रेड, स्लाइस ब्रेड। स्लाइस ब्रेड लेकर उसे हम बीच से काट लेंगे। आपको जितना बनाना है उस हिसाब से आप अपना ब्रेड ले लीजिए। ब्रेड को बीच से तीन कोनी के शेप में काट लीजिए ताकि वो ट्रायंगल शेप आ जाए। इस तरह से ट्रायंगल शेप में ब्रेड को काट लीजिए। और जो हमारा फीलिंग्स था आलू वाला वो हम इसमें अच्छे से फैला लेंगे।
अगर चम्मच की मदद से अच्छे से ना हो सके तो आप हाथ का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। हाथों से इसे अच्छे से फैला लें। चम्मच को रख दीजिए साइड में और हाथों से इसे अच्छे से फैला लीजिए। जब फैल जाए तो उसके ऊपर दूसरा ब्रेड को रख दीजिए, अच्छे से प्रेस कर लीजिए। और जो हमने बेसन का घोल बना कर रखा था उसमें हम डिप करके फ्राई करते जाएंगे। पहले हम सारे ब्रेड्स में फिलिंग्स को लगा लेते हैं। एक एक करके मैं सारे ब्रेड्स को काट ले रही हूँ। सभी में ये फिलिंग्स को अच्छे से सेट करके ऊपर से दूसरा ब्रेड से उसको प्रेस करके दबा कर रख दे रही हूँ। बाद में मैं सारा को घोल में डाल के उसे फ्राई करूँगी। तब तक मैंने पैन में तेल गरम करने के लिए रख रखा है। तेल गरम हो रहा है और इधर मेरा ब्रेड पे आलू भी मैं स्प्रेड करके अच्छे से लगा दे रही हूँ। अब तैयार है, इसे मैं डिप करके बेसन के घोल में डिप करके डीप फ्राई करूंगी। ये तैयार है मेरा ब्रेड। चलिए अब इसे घोल में डालना शुरू करते हैं। करके ब्रेड लीजिए, इसे अच्छे से उसके ऊपर में बेसन का घोल को फैला दीजिए। पूरा ब्रेड ढक जाना चाहिए। अब इसे हम गरम गरम तेल में डीप फ्राई करेंगे। एक एक कर आप अपने सारे ब्रेड्स को ऐसे ही डीप फ्राई कर लें। देखिए एक ब्रेड चॉप मेरा तैयार हो गया है। अब हम इसे बाहर निकालेंगे। इसी तरह अब अपने सभी ब्रेड चॉप्स को ऐसे ही फ्राई कर लें। एक ब्रेड चॉप रेडी है, दूसरा भी तैयार होने को, दूसरा भी बनने को तैयार है। इसे भी मैंने अच्छे से घोल में लगा लिया है, अपने डीप फ्राई कर लिया। इसे अच्छे से हम फ्राई कर लें, इसे फिर पलट लें। ब्रेड चॉप तैयार है। ये देखिए गर्मा गर्म शाम का नाश्ता ब्रेड चॉप तैयार है, जो एकदम आसानी से बन जाएगा। अब होटल का खाना छोड़ दीजिए, अब घर में ही बनाइए टेस्टी ब्रेड चॉप। प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।